लाइफ इज अ नेम ऑफ अ जर्नी और मैंने ये जर्नी गुड बाय के केक कटिंग से स्टार्ट की। जिस शहर मोहब्बत ने हमें घेर रखा है अब उस शहर से कूच के इम्कान है मोहसिन जी। तो गाइस आप देख सकते हैं इस टाइम मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहाँ से मेरी फ्लाइट है आज चाइना के लिए और अभी जो है रात के 4 बज रहे हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जस्ट एंटर हुआ हूँ। अभी मुझे जाना है जाके अपने टिकट वगैरह चेक करवानी है और एंट्रेंस लेनी है। आई विल शो यू माय होल जर्नी, लेट्स गो। A few moments later. जरा इनको चेक करें, इतनी लंबी कतार ट्रॉलीज की लेके जा रहे हैं जिन पे पैसेंजर अपना लगेज कैरी करते हैं। इस टाइम मैं इंटर हो चुका हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। इंटर होने के बाद सबसे पहले इन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस चेक की और उसके बाद इन्होंने बैग को रैप कर दिया। 50 रुपए का ये लोग यहाँ पे पर बैग यहाँ पर रैपिंग कर रहे हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस कराने के बाद आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर ये आपको व्हाइट कोड लेने के QR कोड यहाँ पर नजर आएंगे, चाइनीज के अंदर है और ये इंग्लिश के अंदर है। आपने इसको यहाँ पर स्कैन करना है। यहाँ पर जो एक कॉमन मिस्टेक सब लोगों ने की हुई है वो ये है कि जब उन्होंने कोविड PCR टेस्ट करवाया तो उसके वो प्रिंट आउट लेके नहीं आए। अरे कहना क्या चाहते हो? आपको व्हाइट कोड लेने के बाद सबसे पहले मेडिकल ऑफिसर से उसको वेरीफाई करवाना है, उसकी स्टैम्प करवानी है, जिसके बिहाफ के ऊपर आपको फिर यहाँ से बोर्डिंग मिलेगी। तो बहुत से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर प्रिंट आउट करवा के नहीं आए। मैं तो ऑलरेडी प्रिंट आउट लेके आया हुआ था तो मुझे इसके अंदर कोई इशू नहीं हुआ। जब भी आप एयरपोर्ट पे आए तो अपना कोविड PCR के जो आपने दो टेस्ट करवाए हैं 48 आवर्स पहले और 24 आवर्स पहले उसका प्रिंट लेना ना भूलिएगा। अच्छा Thousand years later. मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिल चुका है, उसके बाद मैंने FIA से कस्टम क्लियरेंस करवाई है और अब मैं जा रहा हूँ वेटिंग एरिया में जहाँ से फिर हमने फ्लाइट में जाना है। सो लेट्स गो। One hour later. वो लम्हात आ चुके हैं जिसका मैंने कभी किसी दिन ड्रीम देखा था। ये PIA की टनल है जहाँ से हमने डायरेक्टली PIA के अंदर इंटर होना है। मेरा नंबर है 49 और ये रहा 48 और ये रहा 49। तो हमें मिली है 49 पर विंडो सीट, हमने यहाँ पर बैठना है। फाइनली गाइज आई एम सुपर एक्साइटेड। हर चीज बहुत ज्यादा स्मूथली हुई है, किसी चीज के अंदर परेशानी नहीं हुई। यार एक मजे की बात ये हुई है कि हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो बिल्कुल फिल हो चुका है, लेकिन मेरे साथ वाली अभी जो दो सीट्स हैं उन पर अभी तक कोई भी नहीं आया। एंड आई एम हैप्पी कि कोई भी मेरे साथ ना आए और मैं सुकून से तीन सीटों के ऊपर मजे से जाऊं। हिफाजती बेल्ट बांध लीजिए, हिफाजती जैकेट आपकी कुर्सी के नीचे है। अच्छा जी। तो गाइज PK870 इस वक्त रवानगी के लिए तैयार है। 8:27 हो चुके हैं और फ्लाइट जो है वो 8:30 पे चलनी है, तो बस 2-3 के अंदर फ्लाइट यहाँ से रवाना हो जाएगी। जी तो गाइज हमारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर चुका है और मेरी विश यहाँ पे पहली पूरी हुई है कि मेरे साथ जो है वो कोई भी पैसेंजर नहीं आया और अब मैं सुकून से मजे से सो के जाऊंगा। हमारे पास यहाँ पर जो है वो ब्रेकफास्ट आ चुका है। इसके अंदर हमारे पास ये एक ब्रेड है, ये बटर है, हमारे पास काली मिर्च भी है। यहाँ पर इन्होंने मुझे ब्रेड दिया जिसको मैंने हाफ कर लिया और इसके अंदर मैं एग या चिकन रख के और इसका जिंगर बना के खाऊंगा। PIA के अंदर जो है वो कोई चार्जिंग जैक नहीं है तो इसलिए जो है अपना पावर बैंक अपने साथ में ले आया था। हमारा ऑलमोस्ट हाफ ट्रेवल हो चुका है। अगर मैं व्यूज की बात करूँ तो ऊपर आसमान नजर आ रहा है, नीचे जो है वो बादल हैं। हम इस टाइम दरमियान में ट्रैवल कर रहे हैं और मुझे अपनी फ्लाइट के साथ एक और फ्लाइट भी नजर आ रही है जो हमारे साथ साथ ट्रैवल कर रही है। जस्ट चेक इट आउट। 2 hours later.
फाइनली हम लैंड कर चुके हैं चंगदू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अभी हमने यहाँ से बस में जाना है और वहाँ से हमें क्वारंटाइन के लिए जाना है। यार एयरपोर्ट से टर्मिनल बस ने हमें पिक किया और इस टाइम हमें पहुंचा दिया वेटिंग एरिया के अंदर। यहाँ पर इन्होंने हमें ये फॉर्म दिया है जिसको यहाँ पे फिल करना है और जो वाइट कोड हमने इस्लामाबाद से लिया था उसको वेरीफाई करवाना है। Few moments later. White code verify करवाने के बाद अब हमें यहाँ पे sampling होगी हमारी और हमने यहाँ पे PCR test करवाना है। Airport आने के बाद यहाँ पर मैंने sample test दे दिया और उसके बाद आपने यहाँ से exit हो जाना है। जी तो finally white code जो है उसको verified हो गया, उसके बाद जो है next PCR COVID test जो था उसका sample भी दे दिया। पता कि हमने कहाँ जाना है लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो है वो एरो बनाए हुए हैं, इस एरो को फॉलो करते हुए हमने बस चलते जाना है। अच्छा तो हम पहुंचे हैं यहाँ पर, यहाँ पर आके हमने अपना पासपोर्ट पोर्ट करना है और अपने फिंगरप्रिंट देने हैं। मेरा जो है फाइनली इमिग्रेशन प्रोसेस हो गया है। इमिग्रेशन प्रोसेस जो है वो थोड़ा लेंथी है, इसके अंदर जो है वो आपकी कंफर्मेशन करते हैं यूनिवर्सिटी से। तो उसका सबसे आसान तरीका बचने का ये है, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं वो सिर्फ अपना स्टूडेंट आईडी दें और जो न्यू स्टूडेंट हैं विद आउट एनी टेंशन वो सीधा आके NOC और एडमिशन नोटिस उनके हाथ में पकड़ा दें। कि एडवाइज़र से या आपकी यूनिवर्सिटी से जो कॉन्टैक्ट डिटेल दी होती है वहाँ से खुद ही कन्फर्म कर लेते हैं। तो मेरी इस टाइम इमिग्रेशन हो चुकी है तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। Let's go. Gonna be too lengthy and hectic process. Immigration process clear कराने के बाद आप यहाँ से अपना लगेज ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें खड़े हुए कोई 45 मिनट हो गए हैं, अभी तक बैग नहीं आए। सबसे ज्यादा वेट करवाने वाला पार्ट ये वाला है, अपने बैग कलेक्ट करना। इतने सारे बैग यहाँ साइड पे पड़े हुए हैं, इनके अंदर भी कोई बैग नहीं है और ना ही यहाँ से आ रहा है। 2000 years later. मुझे मेरा बैग मिल गया और हमने यहाँ से अब एग्जिट हो जाना है। तो गाइस इस टाइम मैं पहुंच चुका हूँ क्वारंटाइन होटल के अंदर। यहाँ पर इन्होंने हमारे से हमारे पासपोर्ट लेके मुझे मेरा रूम नंबर अलॉट कर दिया, जहाँ पर हमने 7 days का क्वारंटाइन करना है। और मैं अपने ब्लॉग का इख्तिताम यहीं पे करता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। कीप सपोर्टिंग राशिद के ब्लॉग। We'll be right back.